स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम देखते हैं कि बार चार्ट को कैसे बनाना है, बार को कैसे बनाना है। तो बार के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? बार फंक्शन यूज होता है, वो चार कोऑर्डिनेट्स लेता है, लेफ्ट टॉप। लेफ्ट टॉप मीन कहाँ से शुरू करना है, लेफ्ट टॉप में, और राइट बॉटम कहाँ तक जाना है। तो पहले इसको चला के देखते हैं। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स लेता है, लेफ्ट टॉप मीन कहाँ से शुरू करना है और राइट बॉटम मीन कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बार बनाना है 100 150 से 120 300 तक, तो इसका मतलब 100 150 सपोज करो पॉइंट यहाँ पे है और 120 300 पॉइंट सपोज करो यहाँ पे है, तो एक बार क्रिएट होगा। तो पहले इसको चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, 100 120, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कौन सा है, 100 150 से 120 300 तक ये पॉइंट आ गया। तो इस ऐसे हम बार को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है, अगर इस बार में अगर हमने कोई स्टाइल फिल करना हो तो क्या यूज़ होता है। तो यूज़ होता है सेट फिल स्टाइल। सेट फिल स्टाइल फंक्शन का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए इसको एक बस इसी में प्रैक्टिस करनी है। सेट फिल स्टाइल लाइन फिल रेड, इसका मतलब क्या है कि हमने जो पैटर्न रखना है वो लाइन फिल होनी चाहिए और रेड कलर की लाइन्स होनी चाहिए। इसकी आउटपुट चेक कर लो। तो ये देखो, रेड कलर की लाइंस फिल कर दी उसी बार में, और क्या है, लाइन फिल है, रेड कलर है और लाइंस फिल की हुई हैं। और कौन कौन से पैटर्न होते हैं ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया, बार बना दिया और उसमें रेड कलर को फिल कर दिया। अब अगर मैंने बार को चार्ट के ऊपर दिखाना हो, तो चार्ट के ऊपर दिखाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी जैसे कि चार्ट में होती है। तो मैंने लाइन ड्रॉ की, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये आप पिछले वीडियो में से देख सकते हो। दो लाइंस ड्रॉ कर दी, एक एक्स एक्सिस एक और एक वाई एक्सिस। ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी और इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो, अब एक लाइन इस साइड है, ये लाइन क्या है, ये देखो, ये लाइन 5300 पॉइंट से 5050 तक है, और 5300 से 300 पॉइंट तक ये लाइन है, और उसके ऊपर मैंने बार को क्रिएट कर दिया। अभी एक और बार क्रिएट करना हो उसी के ऊपर, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखना होगा कि बार ओवरलैप भी ना करें और दूर दूर भी बन जाए। तो बार मैंने सपोज करो अब बना दिया 180 150, मीन उनका स्टार्टिंग सेम रहे लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया। पहले 100 150 पॉइंट पे था, अब 180 150 पॉइंट पे है और 200 300 तक की है। इसको नहीं चेंज करना है क्योंकि मैंने जो लाइन बनाई हुई है 300 पॉइंट तक ही बनाई हुई है, अदरवाइज़ जो बार है वो लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखो, दो बार बन गए। तो इस तरह से आप कितने सारे बार्स बना सकते हो, कितने सारे चार्ट्स बना सकते हो ग्राफिक्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। तो बस जो भी चीज़ है, देखो फंक्शन इजी होते हैं, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का ध्यान रखना होता है कि एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस कहाँ पे है, और मैंने लाइन बार कहाँ तक बनाना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से पॉइंट था और यहाँ तक बनाया, और फिर मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिया। तो इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो फिर से कोऑर्डिनेट देख लिए, एक 100 150 पॉइंट पे था और एक क्या है, 180 150 पॉइंट पे है, ताकि वो दोनों बार जो हैं वो साथ साथ रहें। फिल स्टाइल लाइन फिल है, पैटर्न मैंने लाइन फिल किया और रेड कलर का फिल किया और दो लाइंस ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस पे, और ये एक्स और ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से आप ग्राफिक्स प्रोग्राम को बार में बना सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।